तो फिर से स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज हमारे हाथ में आ चुका है यहाँ पे ये रियलमी का बर्ड्स एयर, और जो कि रियलमी कंपनी के तरफ से आता है। और ये एक ट्रूली वायरलेस एयरफोन है जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बात करेंगे कि क्या है इसमें, ऐसे क्या फीचर्स है इसमें जिससे इसका जो प्राइस है वो बहुत ही प्रीमियम वाला आ जाता है एक एयरफोन की तरफ से। हालांकि उतना भी प्रीमियम नहीं, बट जो भी इसका प्राइस है एक बहुत ही ज़्यादा बजट प्राइस है। और जो साउंड क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलता है वो भी काफ़ी गजब का है। तो बात करेंगे इसी के बारे में इस वीडियो में, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लो प्रेस, और कर देना यार इतना बोल रहा हूँ। तो फटाफट से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो Realme की तरफ से आया है बर्ड्स एयर, ये जो एयरफोन है ये एक वायरलेस एयरफोन है जिसको फिलहाल फोन से कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको सबसे स्टार्टिंग में बताऊंगा। तो इसके लिए अगर सबसे पहला बार अगर आप इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रहे हो तो इसके लिए आपको जो है इस यहाँ पे एक बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बटन है, इसको 3 सेकंड तक आपको टैप करके रखना है। और टैप करने के बाद एक लाइट जलेगा यहाँ पे, और उसके बाद आप इसको अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हो। एक बार कनेक्ट करने के बाद ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। पहला बार अगर कनेक्ट कर रहे हो तो ये प्रोसेस को करना है, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का ये कंप्लेंट सा रहता है कि ये जो है ये कनेक्ट नहीं हो रहा। तो मैंने इसे बता दिया कैसे कनेक्ट करना है स्टार्टिंग में, बट उसके बाद अगर कनेक्ट करना है वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसके लिए आपको कोई भी प्रोसेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, और इसका जो साउंड क्वालिटी है वो मैं आपको ज़रूर से कोशिश करूँगा कि आप भी इसका जो साउंड क्वालिटी है उसको सुन पाए, क्योंकि मैंने तो सुना है बट ऑडियंस को भी बताना ज़रूरी है। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ। तो इसको सबसे पहले आप बॉक्स से निकालते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया अब मैंने इसे पहले भी एक बार कनेक्ट कर रखा है तो मुझे इसे दोबारा 3 सेकंड तक टैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे ही अपना ब्लूटूथ ओपन करूँगा मेरा ये बर्ड्स कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो है इस ये पूरी तरह से भैया सेंसर से भरा हुआ है, मतलब इतने सारे अलग अलग टाइप के सेंसर इसमें दिए हुए हैं कि आप अगर यूज़ करोगे मतलब शॉर्टकट की छोड़ो। तो ये हमारे इस स्मार्टफोन से कनेक्ट हो गया है। मैं एक बार और बता दूँ, इसका जो साउंड क्वालिटी है मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगा। मैं एक बार आपको भी यहाँ पे सुनाने की कोशिश कर सकता हूँ, एक मिनट। एक मिनट, ये आपको अगर सिंगल से सुनाई नहीं दे रहा है तो मैं इसे डबल। तो इसका जो साउंड क्वालिटी है शायद आपको भी सुनाई दिया होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट साउंड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा है। इसमें और भी ऐसे बहुत सारे जो शॉर्टकट्स, दुनिया में शॉर्टकट्स का कोई भी कहीं पे भी कमी नहीं है, और इसमें भी आपको कई सारे शॉर्टकट मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, ये मैंने इस वीडियो को प्ले किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वीडियो है ये प्ले हो रहा है। बट जैसे मैं यहाँ पे डबल टैप करता हूँ तो ये जो है ये पॉज हो जाता है, मतलब डबल टैप करके आप इसको पॉज कर सकते हो, और अगर आप फिर से डबल टैप करते हो तो ये फिर से प्ले हो जाएगा। तो ये एक सही सेंसर लगा मुझे, क्योंकि भाई अब अगर आप एक स्मार्टफोन को अपने पॉकेट में रखते हो तो आपको
हर समय अपना पॉकेट से स्मार्टफोन निकालना पड़ेगा प्ले और पॉज करने के लिए, तो ये एक सबसे बेस्ट फीचर मेरे को लगा कि आप जब मन चाहे ऐसे करके वीडियो को प्ले कर सकते हो और ऐसे करके दोबारा से पॉज कर सकते हो, तो ये सबसे सही फीचर लगा मेरे को। और भी कई सारे सेंसर इसमें, ये एक दुनिया का एकलौता सेंसर नहीं है, ये अनाथ नहीं है दोस्तों, इसका भी एक भाई है, और वो ये सेंसर है कि आप अगर यहाँ पे ऐसे ट्रिपल टैप करते हो तो आपका जो वीडियो है वो स्किप हो जाएगा। स्किप मतलब दोस्तों आपको पता होगा, नहीं पता तो आप मत जानो, जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्किप का मतलब SKIP होता है, इतना जानो, स्किप मतलब वीडियो हट जाए, नेक्स्ट वाला वीडियो प्ले हो जाएगा, इतना जान लो, इतना आपके लिए काफी, इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है, मैंने अपनी बेइज्जती कर दी। तो ऐसे कुछ सेंसर और भी इसमें बहुत सारे सेंसर है जो कि शायद मैं आपको नहीं सुना सकता, कि आप अगर इस एयरफोन को दोनों तरफ ऐसे टैप करके रखते हो तो एक जो है ना गाड़ी का आवाज़, मतलब कार स्टार्टिंग का जो आवाज़ होता है वो आता है। इसका मतलब है कि आप गेम मोड को ऑन कर रहे हो। गेम मोड एक अलग ही तरह का स्पेशल मोड है जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर मिल जाते हैं, मतलब अगर आप गेम खेल रहे हो इनको लगा के तो आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका गेम बहुत अच्छा से चलेगा, और जो साउंड क्लियरिटी है वो भी बहुत अच्छा आएगा अगर आप इस गेम मोड को ऑन करके खेलते हो तो। और गेम खेलने के लिए ये एयरफोन ही खरीदा है तो वो अलग बात है आपको, और इसको दोबारा ऑफ करने के लिए आपको दोबारा से ऐसे टैप करके रखना है 3 से 4 सेकंड तक, और एक रोमांटिक गाना बजेगा, सॉरी ट्यून बजेगा, और आपका बंद हो जाएगा। तो ये था इसका कुछ सेंसर्स की बात। बात करते हैं गाइज इसका जो प्राइस है वो है, चेक कर लो फ्लिपकार्ट में, 3000 के आसपास है इसका प्राइस। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। बाय द वे मैं इस एयरफोन को बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे जो ये एयरफोन है ये काफ़ी अच्छा लगा, मतलब इसका जो प्राइस पॉइंट है वो भी बहुत सही है, साउंड क्वालिटी वो भी बहुत सही है, और इसके जो सेंसर्स है वो तो भाई माशाल्लाह सेंसर्स हैं, और कुछ बच गया क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं बचा। तो आज के वीडियो में इतना, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक कर देना, और ये एयरफोन मैं आपको गिव अवे में नहीं दूंगा, मैं इसे अपने पास रखूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऑल पे क्लिक कर लेना, और तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और तब तक के लिए बाय बाय।